हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आप सभी का दिन बहुत ही मंगलमय बीते, अगला साल बहुत अच्छा रहे, सभी सुखी रहे और सभी का हेल्थ अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का लोगो देख रहे हो, ये कवि गुरु एक्सप्रेस का लोगो है जिसका डिपार्चर यहाँ 2 मिनट में होने वाला है। और फिलहाल इसके पिछले महीने 4 तारीख को सीआरसी इंस्पेक्शन कराया गया था, आज 1 महीना यहाँ पूरा होता हुआ, फिर भी आप देख सकते हो कि इसको डीजल लोगो से चलाया जा रहा है। कितनी ज़्यादा डीजल की बर्बादी हो रही है, डीजल इतना महंगा है और टैक्स पेयर के मनी को इतना ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है। और ईस्टर्न रेलवे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। छोटा सा सेक्शन सिर्फ 73 किलोमीटर का था, बाराहाट से लेकर दुमका के बीच का, जिसको आराम से सीआरसी इंस्पेक्शन कराया गया था, जो सक्सेसफुल रहा था। अगर इलेक्ट्रिक लोगो से चला दिया जाता तो गाड़ी की स्पीड लिमिट भी जो अभी है 45 किलोमीटर की, उसको भी ऊपर बढ़ाया जा सकता था अपर लिमिट तक। और आगे इस रूट पे काम चल रहा है, जब 90 किलोमीटर तक गाड़ी की स्पीड लिमिट को बढ़ाया जाने वाला है उस रूट पे भी। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में इसको इलेक्ट्रिक लोको में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यात्रियों को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कवि गुरु एक्सप्रेस का टाइम टेबल को भी पहले से कम किया जाए, ताकि यात्रियों को जो एंड टू एंड जो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है शॉर्ट रूट होने के बावजूद भी, तो उसमें लाभ मिले। और फिर इस रूट के बनने का जो सही मकसद है कि यात्री जो भागलपुर से साहिबगंज होते हुए हावड़ा जाते थे उससे कम समय में पहुंच सके, ये जब पूरा होगा तभी इस नए रूट का, जो भागलपुर से हसडिया दुमका होते हुए रामपुर हाट होते हुए हावड़ा का रूट है, तभी इसका संपूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए इसका डिपार्चर दिखाता हूँ और आप सभी को दिवाली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे हूँ, और जो बेसिकली मैं जिस साइड पे हूँ भी ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैक स्विचिंग हो रही है, एक ट्रैक जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइड से आ रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 5, दोनों यहाँ पे स्विच हो रहे हैं। इस कारण से जो गाड़ियों का जो लोको रहता है वो आप सामने देख पा रहे हो, सिग्नल यही इसके पीछे रहता है। जो प्लेटफॉर्म में 5 नंबर प्लेटफॉर्म, इसी कोच की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 18 कोच की रह जाती है,
और बगल वाला जो भागलपुर में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 4, यही सिर्फ दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 24 कोच की गाड़ियाँ आ पाती है पूरे तरीके से। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है इसकी 18 कोच की कैपेसिटी है। और इसके बाद जो बगल में आप देख रहे हो 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर, उसकी भी 18 कोच की ही कैपेसिटी है। तो जरूरी बीच में न्यूज़ आ गई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 को बढ़ाया जा रहा है आगे, जो खाली स्पेस है इधर यूटिलाइज़ करते हुए, पर अभी ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो कि कुछ भी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है कहीं भी, बस एक अफवाह फैला दी गई थी। ऐसा कुछ भी अभी भागलपुर जंक्शन में डेवलपमेंट नहीं है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 को एक्सटेंड किया जा रहा है। लोगों ने यहाँ तक न्यूज़पेपर में लिख दिया कि विक्रमशिला गरीब रथ जैसी ट्रेनों का प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डिपार्चर होगा। एकदम कोरी बकवास वाली बात है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना आप लोग, क्योंकि ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में नहीं होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फाउंडेशन वर्क, स्टार्टिंग वर्क कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ कुछ होने वाला है। और इधर थोड़ा सा एक्सटेंशन पॉसिबल है, उसको 20 कोच तक बनाया जा सकता है, पर 24 कोच जैसे विक्रमशिला जैसी गाड़ियाँ हैं उनको उस प्लेटफॉर्म से चलाया जाना ये असंभव जैसी बात है। इसलिए इस तरह की बातों को बिल्कुल आप बिलीव ना करें। दोस्तों मैं भागलपुर जंक्शन पे हूँ और आप देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ही पूरा दशा दिशा ही चेंज कर दी गई है। इतना सुंदर हो चुका है ये प्लेटफॉर्म, पूरा ग्रेनाइट है यहाँ पे स्टार्ट टू एंड लगा दिया गया है आधे प्लेटफॉर्म तक, और धीरे धीरे ये पूरे प्लेटफॉर्म में ग्रेनाइट लगा दिया जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये प्लेटफॉर्म। बगल में जो आप गाड़ी देख रहे हो, आप पूछोगे, मैं पहले बता दूँ, ये जयनगर जाने वाली है इंटरसिटी, और यहाँ पे देख सकते हो चेयर्स, स्टील चेयर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ से ग्रेनाइट वर्क इस साइड से किया गया था, और अब धूप भी खिलने लग गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बगल में ये जो आप लोग को देख रहे हो, ये SPG सेट का 22797 है। और जयनगर एक्सप्रेस के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ, ये 12 कोच की ट्रेन है, सिर्फ 12 कोच की, जिसमें 2 SLR कोच है, सिर्फ 10 कोच है, 10 में 2 AC, 1 सेकेंड AC, 1 थर्ड AC, बाकी 4 जनरल कोच है और 4 स्लीपर कोच है। चलिए आज का ये ब्लॉग उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आप लोग शेयर करना इससे ज़रूरी, अगर चाहते हो भाई का चैनल इसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करे तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करना। आप लोग शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाना, और जितने नए लोग देख रहे हैं वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।